कहते हैं छोटे को बहुत छोटा भी नहीं समझना चाहिए और दुश्मन को कभी कमजोर तो समझना ही नहीं चाहिए। ये जो छोटा सा देश देख रहे हैं ताइवान, इस ताइवान ने अब कुछ ऐसा बना दिया है जिससे चीनी नौसेना ताइवान के सीमा पे घुस ही नहीं पाएगी। अगर जंग के हालात बनते हैं तो ताइवान पूरी तबाही मचा देगा। ताइवान ने एक धमकी दी थी हाल के दिनों में चीन को और कहा था कि अगर युद्ध थोपा तो फिर ये समझ लेना कि तुम बर्बाद हो जाओगे। अब वो सच साबित होती हुई दिख रही है। तो वहीं आखिरकार S-400 को लेकर पाकिस्तान में खलबली तो मची, लेकिन अब एक्सपर्ट क्यों कह रहे हैं कि S-400 पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आखिर क्या है मामला, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। वैसे आपको बता दें, भारत S-400 को लेकर अपनी डिप्लॉयमेंट की तैयारियां शुरू कर रहा है। रूस से जो पहली S-400 मिली है उसकी तैनाती जारी कर दी गई है और कहा जा रहा है कि ये जो यूनिट है अप्रैल से ऑपरेशनल भी हो जाएगी और इसके बाद S-400 की 4 और यूनिट भारत को मिलनी है और अगले साल तक इन्हें लगभग हर क्षेत्र में जहां भी भारत समझता है इसकी तैनाती कर दी जाएगी और 2023 तक ये सारे काम भी करने लगेंगे। पहली यूनिट का सारा साजो सामान यानी इक्विपमेंट्स भारत पहुँच चुका है। फिलहाल इनकी असेंबलिंग की जा रही है और ये इक्विपमेंट समुन्द्र और हवाई रास्ते से भारत पहुँचे हैं। इसके लिए आर्मी के इंजीनियर्स को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई है। आपको बता दें, कहा जा रहा है कि भारत इसे इजराइल के साथ मिलकर बनाए गए नेटवर्क में स्थापित करेगा और अभी फिलहाल ये पाकिस्तान की तरफ सीमा पे लगाया जाएगा पंजाब के पास, जिसके बाद पाकिस्तान टेंशन में तो है क्योंकि अगर भारत ने इसे सीमा के पास लगा दिया तो वैसे तो इस डिफेंस सिस्टम का काम है आने वाली मिसाइलों को रोकना और आने वाले कई टारगेट्स को रोकना, पर अगर ये सीमा पर लगा दिए गए तो अपने ही क्षेत्र में अगर उड़ान भरना चाहेगा पाकिस्तान का फाइटर जेट तो उड़ान नहीं भर पाएगा और टेक ऑफ करने से रोक देगा S-400। भारत से बड़ी सीमा पाकिस्तान की लगती है और भारत इसका फायदा उठा सकता है, चूँकि जैसे ही ऑर्डर मिलता है वैसे ही 5 से 10 मिनट में ये पूरा सिस्टम ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। इसलिए पाकिस्तान के लिए टेंशन वाली बात तो है, लेकिन पाकिस्तान के एक्सपर्ट अब ये कह रहे हैं कि अगर ये S-400 ताकतवर है तो कमजोर भी है और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों कुछ नहीं बिगड़ेगा? क्योंकि भारत ने S-400 की तैनाती कर दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे परमाणु बमों को रोक दिया है। खैर, किस लॉजिक से ये S-400 को और परमाणु बमों की तुलना कर रहा है ये तो समझ में बिल्कुल नहीं आया। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान को चौकन्ना रहना चाहिए क्योंकि S-400 की एक यूनिट से एक साथ 160 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक किया जाता है और एक टारगेट के लिए एक साथ 2 मिसाइलें लॉन्च की जा सकती है। मतलब एक फेल हो गया तो दूसरा बिल्कुल फेल नहीं होगा और भारत को जो सिस्टम मिल रहा है उसकी रेंज है 400 किलोमीटर। 30 किलोमीटर से शुरू होकर ये 400 किलोमीटर तक जाती है। S-400 से कितना डरा हुआ है पाकिस्तान वो खुद ही देखने को मिल रहा है। खुद को तसल्ली देने के लिए ये भले ये कह दे कि S-400 को ये काउंटर कर सकते हैं और अगर जंग के हालात बनते हैं तो सबसे पहले S-400 को ही तबाह करने के लिए जुट जाएगा पाकिस्तान। खैर, जहाँ पाकिस्तान यहाँ डर के मारे अनाप शनाप बयानबाजी दे रहा है तो वही दूसरी तरफ ताइवान ने तो गजब ही कर दिया है। दरअसल चीन ने एक प्लान बनाया और चीन ने जो प्लान बनाया ऊपर से तो पहली बार देखने से यही लग रहा था कि हाँ, चीन अपने प्लान में पूरी तरीके से सफल हो जाएगा। चीन ने प्लान ये बनाया कि हम सीधे सीधे ताइवान पर हमला यानी ताइवान की मेन लैंड पर हमला नहीं बोलेंगे, हम क्या करेंगे, हम प्रतास आइलैंड पे हमला बोलेंगे। प्रतास आइलैंड जो ताइवान की मुख्य भूमि से काफी दूर है। अब होगा ये कि प्रतास आइलैंड पर जैसे ही हमारी नौसेना चढ़ जाएगी वैसे ही ताइवान अपने नौसैनिकों को भेजेगा। अब नौसैनिक जत्था और हथियार पहुंचेंगे प्रतास आइलैंड की तरफ से, यानी कि मुख्य भूमि से आधी शक्ति दूर हो जाएगी ताइवान की और तब जब इधर प्रतास आइलैंड उलझा हुआ होगा ताइवान की सेना, तब हम उधर से उसके मेन लैंड पर हमला बोल देंगे। यहाँ तक की प्लानिंग बहुत ही अच्छी की चीन ने, लेकिन कहते हैं ना, लड़ाइयाँ हमेशा अपने बल पर लड़ी जाती है। भले इस वक्त ताइवान को सपोर्ट मिल रहा है फ्रांस
फ्रांस का, सपोर्ट मिल रहा है अमेरिका का, जापान का, लेकिन अगर युद्ध शुरू होता है तो कौन सा देश सचमुच अपनी सेना लेकर उतर कर सामने आता है, ये अभी से कह पाना बहुत मुश्किल है। जैसे कि रूस और यूक्रेन में ही अभी लगातार बात चल रही है कि हम लड़ेंगे, और यूक्रेन के तरफ से नाटो के कई देश ये कह रहे हैं कि हम आपका साथ देंगे, लेकिन आप देखेंगे हाल वैसा ही होगा जैसे आर्मेनिया और अजरबैजान मामले में हुआ। अजरबैजान ही लड़ा, आर्मेनिया ही लड़ा, और बाकी के देश कागज पर ही समर्थन देते रह गए, साथ देते रह गए। तो ताइवान भी इस चीज को बहुत अच्छे से समझता है। ताइवान के राष्ट्रपति ने काफी पहले ही ये बयान दिया था कि हमारी रक्षा तभी कोई दूसरा कर पाएगा जब हम अपनी रक्षा को तैयार हों। अगर हम अपनी रक्षा को तैयार नहीं होंगे तो चाह कर भी अमेरिका हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा, जैसा कि अफगानिस्तान में हुआ। अफगानिस्तान की सेना ही नहीं चाहती थी कि वो अपनी रक्षा खुद करें। ऐसे में अमेरिका के चाहने न चाहने से क्या हो सकता है। ताइवान के राष्ट्रपति ने ये कहते हुए कहा था चीन को कि अगर तुमने हम पे हमला किया तो तुम्हारे जितने खास खास इलाके हैं जहाँ से तुम्हारा उद्योग चलता है और जो रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं चीन का, उन सारी जगहों पर हम हमला कर देंगे। जहाँ ताइवान ने ये धमकी दी ही थी, तो वहीं अब ताइवान की कंपनी है एक लंगटे शिप बिल्डिंग, इसने अभी 4 ऐसे शिप के सैंपल दिए हैं जिन शिप का काम क्या है, ये खुद ब खुद माइंस क्रिएट कर देंगे। समंदर में ये बिना ड्राइवर के चलेंगे और फटाफट माइंस क्रिएट करते चलेंगे, जिससे कि सामने से अगर कोई जहाज आ रहा हो या कोई सबमरीन आ रहा हो तो ये शिप माइंस से टकरा कर विस्फोट कर दे। अब ताइवान ऐसे हजारों की संख्या में शिप, हजारों की संख्या में ऑटोमेटिक माइन लाइन सिस्टम को बनवा रहा है। ताइवान की चुंगसान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस मामले में आगे बढ़कर काम कर रही है, और ताइवान युद्ध के लिए इन जहाजों का इस्तेमाल खास तौर पर करने वाला है। चीनी नौसेना के लिए पहले से ही काल तैयार कर रहा है ताइवान, और इसमें उसे सफलता भी मिल रही है। ये बात तो जरूर जान लीजिए, अगर ताइवान और चीन में हमला होता है, लड़ाई होती है, तो ताइवान भले चीन से जंग जीत ना पाए, लेकिन चीन को जो तबाही पहुंचाएगा ताइवान, उसका अंदाजा चीन को भी नहीं होगा, क्योंकि चीन के महत्वपूर्ण टारगेट को अभी से निशाने पे ले रहा है ताइवान। वैसे कहा जा रहा है कि ताइवान को लगातार इंजीनियरिंग की और सैन्य सहायता अमेरिका से भी मिल रही है और जापान भी साथ में खड़ा है, पर इन सब के बीच ताइवान अपनी तैयारी में किसी भी तरह की कमी नहीं रखना चाहता है। वैसे आपको क्या लग रहा है, क्या ताइवान सही कह रहा है कि खुद की रक्षा करनी पड़ती है खुद से, तभी दूसरे देश मदद को आते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।